अखंडं सच्चिदानंद भवां मनस गोचरम् आत्मानं मदिराधार आश्रय इष्ट सिद्धये। इस मंगलाचरण पर विचार चल रहा था, संक्षिप्त अर्थ हो गया। आप कुछ शंकाएं हैं कि मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय होता है, ग्रंथ का विषय का प्रत्येक कथन करना आवश्यक होता है और ग्रंथ का विषय शुद्ध ब्रह्म यदि है या उसका जिक्र क्यों नहीं। पूर्वार्ध में तिपि विशुद्ध कह रहे हैं, उत्तरार्ध में आपने अकेलाधारम कह दिया। अकेलाधारम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण जगत का कारण भी तो कार्य का आश्रय होता है, आधार होता है। मैंने आपने कारणत्व आक्रांत कारणत्वोपाधिक ब्रह्म का कथन कर दिया और तारस ब्रह्म को हम आश्रय मैंने कारणत्वोपाधिक ब्रह्म को ही मैं प्रतिपन्न करूंगा, प्रतिपद्य न तो शुद्ध व्यर्थ हो जाए। ये सबसे भारी आपत्ति है। इस आपत्ति को दूर कैसे कर रहे हैं? तो प्रतिपत्ति का विषय होने के कारण से भी जो भी कारण होगा, कारण सत्य हो जाएगा, प्रतिपत्ति का विषय हो जाएगा। प्रतिपत्ति का विषय हो जाता है, ज्ञान का विषय हो जाएगा, वो अनित्य होगा, परिच्छिन्न होगा, यह भी दोष आ जाएगा। तो इस दोष को दूर कैसे करेंगे आप और शुद्ध ब्रह्म प्रयुक्त को कैसे ले जाए? अतएव एकादश कारण ब्रह्मोपलक्षित शुद्ध ब्रह्म यहां कर जाए ये बताने के लिए पूर्वार्ध में कहा अवांग मनस गोचर। कारण ब्रह्म से क्योंकि कल अंत में चर्चा करके बता दिया था, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो कोई मंगलाचरण नहीं कर सकता, आश्रय आश्रय भाव नमस्कार आदि नहीं हो सकता, भूत पूर्व गति के आधार पर प्राण कर्मांतर की जो भूत पूर्व ज्ञान उत्पत्ति के पूर्वकालीन अविद्या वासना जनई जन्मों के उपासना आदि का जो संस्कार है उसके वजह से वो उसके आधार पर ही नमस्कार आदि कर लेता है, उसी के आधार पर कारण ब्रह्म भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया। इन वास्तविकता भी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई कारण ब्रह्म हमारे अलक्ष्य नहीं है, इस ग्रंथ का विषय नहीं है। कारण ब्रह्म उपलक्षित जो वाणी मन आदि का अविषय भूता शुद्ध ब्रह्म ही हमारा विषय है, इस बात को स्थापित कर दिया है। और जो प्रतिपत्ति का विषय मान लेने पर मृत पंडारिक कारण होने पर नित्यत्व की जो आशंका थी उसको भी दूर करते हुए कह दिया सत्य, और सद होते हुए भी नाशाभावित स्वरूप सदैव सुमित ग्रास इत्यादि सूत्र में जो कहा गया छांदोग्य में उसको सत्य ले भी ले हम, लेकिन सत्य व्यवहार में देखने मिलता है जड़ में भी सत्य का व्यवहार हो जाता है। जड़ की आवृत्ति कैसे करोगे है? उसके लिए कहा चित्त ज्ञानम। ठीक है, सत और चित्त के द्वारा अनित्यत्व और जड़त्व का व्यावर्तन भले कर ले किंतु वह पर पुरुषार्थ का विषय कैसे होगा? पुरुषार्थ विषय तो कैसे घटेगा? पुरुषार्थ विषय तो बनेगा नहीं। तब कहते हैं इसलिए कि विशेषण देना पड़ेगा प्रसार को विषय प्रसिद्ध करने के लिए आनंदम कर दिया, अखंडम सच्चिदानंदम। और अखंडम शब्द से यह भी लक्षित है किसी भी प्रकार का परिच्छेद से रहित, अवयवादिक परिच्छेद से रहित है, अति शुद्ध ब्रह्म हमारा लक्ष्य है। वह परम पुरुषार्थ का विषय इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म आनंद स्वरूप ही है। लेकिन सजाति विचारीय स्वगत भेद रहित वस्तु ही वास्तव में शुद्ध ब्रह्म है, इसी का संकेत अखंड अवयवादि
के माध्यम से ही तो सजात विजात सुगत भेद उत्पन्न होता है। इसे पंचदशिका राज ने श्लोक देते हुए मालिका वृक्ष का दृष्टांत दिया, वृक्षों का परस्पर सजातीय भेद, या में कटहल है अलग और स्वगत भेद क्या है, शाखा पत्र पुष्प आदि भेद है। विचारती भेद क्या है, वृक्ष के परीक्षा से मनुष्य पुष्प। इस तरह से सावय पदार्थ में ही सजाति विजातीय और स्वगत भेद की व्यवस्था बनती है। ताश में शून्य इस बात को संकेत करने के लिए यहाँ पर अखंड शब्द का सबसे शुरू उच्चारण करने के। अतएव इस ग्रंथ का विषय यह सिद्ध हो गया कि शुद्ध ब्रह्मी है और सच्चिदानंद शब्द के द्वारा प्रयोजन आनंद प्राप्त करना, नित्य आनंद को प्राप्त करना, अनुभव करना या उसे प्रतिष्ठित होना, यही हमारा मोक्ष है, वही प्रयोजन है। अतएव आनंदम सबसे प्रयोजन का संकेत हो गया, अखंडम से विषय हो गया और प्रतिपादित प्रतिभाव आदि शास्त्र विषय के बीच में जो संबंध होता है वह संबंध यहाँ हम संबंध मान लेंगे। और अधिकारी की बात आती है वह अनुबंध चतुष्टय जो प्रतिपादन करने के लिए अधिकारी किसको बताएंगे, जो कोई व्यक्ति एतादृश प्रयोजन को प्राप्त करना चाहेगा वो उसका अधिकार। इस प्रकार से इस मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय का संकेत कर दिया गया है। अतएव यह ग्रंथ विचारणीय है, इसका अध्ययन में प्रवृत्ति हम लोगों का जो है वह सम्यक ध्यान उचित नहीं है। अब कहते हैं श्रुति के आदर्श श्वेता सत्तर प्रतिशत 36 में कहा गया, जैसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता यथा प्रकाश होते महात्मन हो। नीचे टीका पहली पंक्ति दूसरे श्लोक का पृष्ठ संख्या 2 नीचे किंच दूसरे प्रकटक का दौर है, यसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो क्रमांक नीचे दे दिया 4 नंबर के पद 36 है। जिस व्यक्ति जिस मुमुक्षु का जिस प्रकार की भक्ति पराभक्ति देव में हुआ करता है, ईश्वर में हुआ करता है, यस्य मुमुक्षुः यथा पराभक्तिर् देवे तथा गुरुः, उसी प्रकार यथा देवे तथा तस्य ताश मोक्ष के प्रति एते कथिता यर्ताः तस्य महात्मना प्रति अवतारश महात्मा मोक्ष के प्रति ही गुरु के द्वारा कथित जो पदार्थ है वेदांत के ये प्रकाशित हो जाते हैं, अनुभव में आ जाते हैं। श्रुति ने स्मृति भी कहती है देवम इव आचार्य उपासितो, देव के समान ही आचार्य की उपासना करनी चाहिए। अतएव गुरु नमस्कार के बिना केवल तत्व का अनुसंधान करने मात्र से, गुरु स्मरण के बिना वास्तविक जो प्रयोजन परमानंद अनुभूति हो नहीं सकती है। अतएव श्रुति स्मृति के आधार पर शास्त्र का अंगत्व प्रतिपादन कर दिया है गुरु नमस्कार को, अत्यंत गुरु का नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हैं दूसरे मंगलाचरण अर्थ तो नतीत द्वैत भारत गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। पाठ भेद है अतीत द्वैत भावत भी पाठ भारत जगह पर भावत भी गुरुन आराध्य भोजन प्रयोग कर दिया गुरुन कहने को गुरुओं से पढ़े क्या नहीं, क्योंकि नियम क्या है वेद ने क्या कहा है नित्य भोजन कई शब्द का प्रयोग होता है, कोशकार आदि वर्णन करते हैं जैसे धारा पत्रिका वाचक
अरोनित्य भोजना और औरत को कहा जाता है पत्नी कौन होती है, औरत होती है, लेकिन पुल्लिंग में प्रयोग होता है। पुल्लिंग में नित्य भोजना ये सब यहाँ वैयाकरणों ने व्यवस्था दी है, जैसे इनका अनुशासन ने निर्णय दे दिया है उसी के आधार पर यहाँ भी वेद ने निर्णय दे दिया है। बात पे नित्य भोजन इन तीन तत्वों के लिए हमेशा प्रयोग होना चाहिए, कभी एक वचन प्रयोग नहीं करना चाहिए। अज्ञान वशात कोई प्रयोग करे तो बात अलग है, अन्यथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुराव आत्मनि चेश्वर बहुवचनम प्रयुंजीत, गुरौ आत्मनि च ईश्वर। जब भी गुरु के बारे में कहीं चर्चा करनी हो या संबोधन करना हो, कुछ व्यवहार होता है तो बहुवचन ही प्रयोग होना चाहिए। आत्मने अपने आप के बारे में जब मैं एक वचन नहीं बोलनी है, हम आएंगे, मैं आऊंगा, मैं अहंकार प्रतीत होता है, इसलिए अगर बहुवचन प्रयोग इसमत असमत का बहुवचन प्रयोग करना चाहिए। और ईश्वर इन तीन के विषय में सदा नित्य ही बहुवचन प्रयोग करना चाहिए। ये साक्षात आपके वेद का कथन है, तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र में कथन किया हुआ है। और गुरु का नाम क्या था? अद्वयानंदान। उनका नाम था अद्वयानंद, उनका नाम है सदानंद, है ना, सदानंद योगींद्र चित्य वेदांत सार है। गुरु का नाम अद्वयानंद, अद्वयानंदान गुरु आराध्य, ऐसे देव गुरुदेव तद अतीत द्वैत भारत, ये अतीत द्वैत भाव जो द्वैत भाव को अतिक्रमण कर चुके थे, अर्थात नित्य ही अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित थे, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म का ही भान हो रहा था। अद्वैत भान, द्वैत भान, अतीत द्वैत भान, द्वैत का भान को अतिक्रमण कर लिए, मैंने क्या है सर्वत्र अद्वैत भान हो रहा था। वासुदेव समिति दुर्लभ, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म वास्तविक भान हो रहा है, दूसरा कोई चीज भान नहीं, द्वैत का भान खत्म हो चुका। ऐसे जो गुरु थे अद्वयानंद, और मैं विशेषण कर आत्म तो अपी, जैसा उनका नाम था उस नाम का ही आधार पर हम अद्वैत का कथन करने जा रहे हैं आगे ग्रंथ में, लेकिन शब्द तो ही केवल नहीं कहूंगा, अर्थ तो अपी अपी करती है शब्द का तो सब कहते ही है, इन अर्थतः भी कहीं न्यूनता न रहे। सकल वेदांत शास्त्रों में प्रोक्त सकल पदार्थों में संक्षेप कहने के बावजूद भी कुछ भी न्यूनता न रह जाए, ऐसे ध्यान रखते हुए अहम वक्षे मैं ये आगे कहूंगा, क्या कहूंगा, यथामति वेदांत सारम, जैसा हमने गुरु से प्राप्त किया और ज्ञान है, ज्ञान है शास्त्रों का, उसके अतिक्रमण न करते हुए मैंने अपनी कुछ भी बुद्धि की उत्प्रेक्षा से कुछ परिकल्पना के बिना यथा गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है उसी के अनुसार यथामति मतिम अनतिक्रम्यति यथामति शक्तिम अनतिक्रम्यति यथाशक्ति अव्यय विभक्ति से विमृत्यर्था भाव इत्यादि सूत्र के द्वारा समास होता है ना? शक्तिम अनतिक्रम्य पदार्थ अनतिक्रम्य, इस अर्थ में पदार्थ को अतिक्रमण न करना, इस अर्थ में यथाशक्ति के साथ में समास प्रबंध किया गया था। वही आप यथामति मति मने अज्ञान, जो ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ परंपरा से उस ज्ञान का अतिक्रमण न करते हुए मने स्व कपोल कल्पित ये किंचित भी उत्प्रेक्षा आदि न करते हुए मैं इस वेदांत सार नामक ग्रंथ को कथन करता हूँ शिष्य की शिक्षा के लिए। अतएव वाक्य जाता मध्य के नीचे वेदांत सारम अर्थ कर रहे हैं उसी प्रकट के अंतिम पंक्तियों में,
वेदांत सारम वेदांतानां उपनिषद वाक्य जातानां मध्ये यत् सार सिद्धांत रहस्य सिद्धांत जो रहस्य यस्मिन् ज्ञाते पुनर्ज्ञातव्यं नावशिष्यते, जिसके ज्ञात होने पर पुनर्ज्ञान करने के शेष नहीं रह जाता। इसे कहते साकार क्या कहा था परावधि, पुरस्कार ने कहा परावधि उत्तर उत्तर उत्कर्ष पराकाष्ठ होते हुए जो परावधि बने उसका नाम सार है। इसलिए परावधि यही होता है ना, उसे और आगे जाना नहीं रह गया, ये अंतिम अवधि है, और रह गया तो अंतावधि नहीं है ना, तो परावधि नहीं कहा जाएगा। इसे पुनर्ज्ञातव्यम न वशिष्यते, जिसको जानने के बाद और जानना नहीं रह जाता है। ऐसा जो तम वेदांत सार में था बुद्धिमर्दिक्रम्य वक्ष, अपनी जो बुद्धि है अपने जो ज्ञान है उस गतिमन के बिना मैं कथन करूंगा प्रतिपादित करता। अतएव वेदांत सार आरंभ करने के पहले वेदांत किसको कहते, समझाना स्वयं समझाना शुरू करते, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसे कहते हैं, ये जो उपनिषद प्रमाण है उसी का नाम वेदांत। उपनिषद प्रमाणम क्या है, उपनिषद एव प्रमाणम इति उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद एव प्रमाणम इति उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद ही एकमात्र प्रमाण है जिस विषय में, ऐसे कहते उपनिषद प्रमाणम। अतः योग्य प्रत्येरो उपनिषदो यस्मिन् विषय प्रमाणम यत्र प्रमाणम इति वा, अंतिम पंक्ति पढ़ने का उपनिषदो यत्र प्रमाणम इति वा। अतः उपनिषद है प्रमाण जिस विषय में, जिस ब्रह्म के विषय में, उस विषय को पंक्तियों को कहते हैं वेदांत। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, और उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उप नी और सुदृढ़ विषर्ण गति के अवसाधनेषु, विषर्ण गति और अवसाधन इन तीन अर्थ में सदृढ़ धातु होता है। उप या शब्द का अर्थ निकट या सामीप्य, गुरु के समीप में जा, श्रोत्रियं गुरु ब्रह्म इष्टमेवा भी गच्छन्ति, उनके पास जाना उनके पास बैठ करके है। नियत रूप से नित्य ही नी नित्रा, यानी कि चार दिन चले और बोल दिया मैं तो आ गया था, मैं चार साल पढ़ लिया, लोग ऐसे भी है क्या, चार दिन पढ़ने आ जाते बोलते मैं शाम से सब कुछ पढ़ लिया, और ऐसे भी हैं जो कभी आए नहीं, नाम मात्र सुने और कहने के हम तो सब पढ़ लिया, नाम का इस्तेमाल कर लेते, इसलिए कहते नी उत्सर्ग जोड़ा, नित्रां स्थिति होनी चाहिए, निरंतर नियत रूपेण और नित्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदा प्रतिष्ठित रहे। तब क्या होता है सत, पहला अर्थ है विषरण, विषरण का मतलब ढीला पड़ना, जो अविद्या की बेड़ियों में हम फंसे पड़े हैं, अविद्या की जकड़न में हम फंसे पड़े हैं, वह जकड़न पहले ढीला पड़ता है। जब गुरुमुख से सुनते जाते हैं वेदांत को तो धीरे धीरे समझ में आता है अविद्या और अविद्या का भेद क्या है, तो आपके अंदर जो विद्यमान राग द्वेष आदि जो छह प्रकार के हरिया है या तीन प्रकार के द्वंद्व है वह सब ढीले पड़ने लगे, सहनशीलता बढ़ती जाती है तो आपको तब गति प्राप्त हो। ब्रह्म विद्या में वास्तव की गति आत्मानुभूति की ओर जो प्रगति आपको प्राप्त, अब उसका अंतिम स्थिति क्या बनेगा, अवसाद हो, अविद्या का नाश, शरण गति अवसाद शु ईशावास्य परिषद मांडव्य उपनिषद आदि अनेक बार भाषिकार ने तैतृ परिषद ने भी इन उपनिषद शब्द का अर्थ को समझाए हुए। तदुपकारिणी तादृश उपनिषद प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत पदार्थ ब्रह्म तत्व उसके प्रतिपादन करने में उपकारिणी कौन से शारीरिक सूत्र,
आदिनी च सूत्रादिनी च शारीरक सूत्रादिनी च। वेदांत वाक्य में विद्यमान जो शंकाएं उन्हें दूर करने के लिए शारीरिक सूत्र आरंभ किया, सर्वे भव शारीरक तद विषय कमिति शारीरक सूत्र तानि शारीरक सूत्राणि माने ब्रह्म सूत्राणि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र एक एक से आरंभ करके जो लिखे गए हैं ग्रंथ 555 सूत्र उन पूरे चीजों को लेना। और आदि शब्द क्या लेना, आदिनी उस प्रसिद्ध प्रमाण के बौद्ध पदार्थ का प्रतिपादन करने में संग्रहण करने में ग्रहण करने में सरलकर्ता हुआ स्मृति ग्रंथ भगवद गीता को लिया जाएगा। एवं वेदांत अन्य जो वेदांतानुकूल स्मृतियां हैं उन सबको लिया जा सकता है। अत सकल प्रकरण ग्रंथ तद अंतर्वर्ती वेदांत सार भी आ गया, इसके सहित सब अध्यात्म शास्त्र जितने भी है उन सबको ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वे सब के सब उपनिषद वाच्यत्वात् वे भी वास्तव में उपनिषद वाची ही है। ब्रह्मसूत्र को भी आप उपनिषद कह सकते हैं, गीता को लिखते भी उपनिषद हर अध्याय के अंत में कहा कि जितने भी अध्यात्म शास्त्र है जो जीव ब्रह्म एक प्रतिपादन करने वाले शास्त्र है, सच्चिदानंद ब्रह्म को अभय मुखे न और नेत्र इत्यादि के द्वारा व्यतिरिक्त मुखे न प्रतिपादन करने वाले जितने भी शास्त्र है उन सकल को भी हम उपनिषद शब्द से ही कह सकते हैं। क्या उपकारी उपकारक भाव से जो उपकारक है उसके उपकारी की संज्ञा उसमें आ जाएगा, लेकिन जैसे राजा के कार्यों में उपकारक मंत्री को भी राजा कह देते हो राजा, इसी प्रकार से यहां पर व्यवहार हो रहा है कि इतिहास गीता सन शास्त्रों को भी उपनिषद शब्द का व्यवहार हो जाएगा। तब ये बात क्यों कह दिया इन्होंने उपकारिणी तब, इसीलिए अनुबंध चतुष्टय उपनिषदों का अलग और ब्रह्मसूत्र का अलग गीता का अलग वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय अलग सब के अधिकार अलग अलग है ये न सोचें आप, एक ही है। इसे अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् अस्य वेदांत सारस्य वेदांत प्रकरणत्वात् ये जो वेदांत सार नाम ग्रंथ है ये वेदांत का ही प्रकरण ग्रंथ होने के कारण से तद ये रेव अनुबंध ही तत्ता सत्य न पृथक का आलोचनीय उस उपनिषद के जो अनुबंध बताया गया है अनुबंध मैंने चतुष्टय जो बताया गया है उन अनुबंधों के द्वारा तद्वत्ता सिद्ध इसमें भी उपनिषदता की सिद्धि होने से ते न पृथक आलोचनीय हमें पृथक अनुबंध चतुष्टय का विचार करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण जिसको कहते हैं इसका लक्षण कई बार आप सुन चुके हैं, शास्त्र एकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद अविपश्चित पराशर पुराण 18वें अध्याय 21वें और 22वें श्लोक के आधार में है, वहां कहा गया है शास्त्र एकदेश संबद्धम समग्र शास्त्र के यथावत नहीं लेना कि शास्त्र के एक देश संबद्ध हो जाना, प्रमुखत्व को ध्यान में रखते हुए वांछित किंचित अन्य तत्वों को ग्रहण करते हुए व्याख्यान करना उसको शास्त्रीय देश संबद्ध ग्रंथ कहा जाएगा। और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम शास्त्र के जो कार्य क्या है मुख्य कार्य उसको ध्यान में रखते हुए तद आवश्यकीभूत अवांतर कार्यो का प्रतिपादन करने के लिए प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। आहो प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित तद यही रेव अनुबंध ही अनुबंध किसको कहते हैं, अनुबंध का लक्षण क्या है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के लिए
प्रवृत्ति ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्म ग्रंथाध्ययन में हमारी जो प्रवृत्ति है इस प्रवृत्ति का जो प्रयोजक ज्ञान है उस ज्ञानानुकूल विषय का नाम अर्थ। आप वेदांत सार नाम इस ग्रंथ को अध्ययन करने में प्रवृत्त हुए हैं, क्यों हुए? क्योंकि आपके अंदर इस ग्रंथ के बारे में साक्षात्य परंपरा स्वयं या अन्य के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञानानुकूल विषय चार चीज होते हैं जो आप जानते हैं अतिव प्रवृत्त हुए, उस चार का नाम मिलाकर एक नाम रख दिया अनुवाद। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषय कम संबंधाधिकारी सबसे पहले संबंध बताना चाहिए, दूसरा अधिकारी, तीसरा विषय, चौथा प्रयोजन। क्रम इधर उधर है, इसे पहला प्रयोजन बताना पड़ता है। प्रयोजन मनु जिसे बंदों के न प्रवर्तते, सबसे पहले प्रयोजन बताना वह प्रयोजन जिस विषय से सिद्ध हो सकता है वह विषय को बताना पड़ेगा। विषय बताने के बाद तुम उसके अधिकारी को स्थापित करना होगा। तार्श विषय और तार्श प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ को बताना वो आपका संबंध बोधक हो गया। बिना अनुबंधम ग्रंथादो एकार चार तत्वों को बताए बिना ग्रंथ में आदि में किया हुआ मंगलाचरण उचित नहीं माना गया। बिना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नहीं विश्वसित है। कुमार भट्ट के श्लोक है, श्लोक वार्तिक अजय मंगलाचरण करने हैं, मंगलाचरण में चारों बात कहना चाहिए था, इसलिए उन्होंने चारों बात कह दिया। जैसे पूर्व श्लोक के अंत में समझा कर कह दिया था अखंडम शब्द जो है आपको क्या हो गया विषय को बता रहा है और आनंदम प्रयोजन को बता रहा है और संबंध शास्त्र और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावों का संबंध है नहीं? और अधिकारी कौन है जो साधन चतुष्टय से संपन्न है तदीयैरेव अनुबंधैहि, जो परिषद के लिए स्वीकृत किया गया जो अनुबंध है उन अनुबंधों के द्वारा ही तद्वत्ता सिद्ध है। तद्वत्ता सिद्ध होने से मनुष्य प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यह प्रवण ग्रंथ होने के कारण से न प्रतिकालोचनीय, अतएव उन चारों का अलग से आचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्र अनुबंधो नाम अधिकार विषय संबंध प्रयोजनानी अनुबंध इसे कहते हैं। इन चार को मिलाकर एक नाम रख दिया गया है अनुबंध। कौन चार है? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानी, इसे अनुबंध कहा जाता है। यद्यपि अलग विचार करने की जरूरत नहीं है फिर भी संस्मरण कराना जरूरी है। उपनिषदों में अनुबंध चतुष्टय क्या है वही हाने ने आपने कहा तो दिया, इन वहां किसको माना जाए? इसलिए संक्षेप में वहां के अधिकारी आदि उनको ही संग्रह करते या याद दिलाते अधिकारी तू, अधिकारी तू का लिए तू हमेशा व्यावर्तन करने के लिए होता अधिकतर। कर्माधिकारी का व्यावर्तन करने के लिए ज्ञानाधिकारी को बताने हेतु तू शब्द का प्रयोग हो गया। विधिवत अधित वेदांग वेद वेदांग आपात अधिकत अखिल वेदार्थ अस्मिन जन्म जन्मांतर का काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य निमित्त प्राचित उपासना अनुष्ठान निर्गत निकल कर्म सहतया नितान्त निर्मल स्वात्त साधन दृष्टि संपन्न प्रमाता अधिकारी।
अधिकारी प्रमाता भवति ऐसा अन्वय करना है। अधिकारी शब्द को प्रमाते के साथ अन्वय कर देंगे। कैसा होता है अधिकारी? विधिवत अधीत वेद वेदांग, विधिवत का मतलब क्या? उपनयन संस्कार आदि के संयुक्त होकर के गुरु के पास जाके गुरुकुल में रहकर के सेवा आदि करते हुए जो वेदों को पढ़ना है, वेदांगों को पढ़ना है, उसको कहते विधिवत। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? तब स्मृतिकार ने कहा, वेद में आया, ब्राह्मण ऋषदंगो वेदो निष्कारण ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के द्वारा षडंगोपेत वेद है ना, ज्योतिषादी षडंगोपेत जो वेद है उसको बिना कोई कारण माने बिना कोई प्रयोजन सोचे समझे अवश्य पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। अध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन के लिए तो अत्यंत अनिवार्य न्यूनतम शिक्षा के अंतर्गत पहले लिखा गया वेद वेदांत का पढ़ना आवश्यक है। और से अतिरिक्त हम न्याय न्याय बनना चाहते हैं, न्याय पढ़िए को विमा से बनना चाहते विमा से बनिए, या अच्छी पढ़े तो कर्मकांड के ग्रंथों को पढ़िए, वो तो अतिरिक्त विषयवाद की बात है। न्यूनतम पहले इतना पढ़ना और उसको जानना अति आवश्यक। अतएव ने कहा विधि के अनुसार विधिवत अधीत वेद वेदांग, वेद और चारों वेद, नहीं तो कम से कम आप जिस वेद के कुल में जन्म लिए हो उस वेद के उस शाखा मात्र का ही सही पूरा आद्योपांत पर्यंत अध्ययन करना। और वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण छंदो ज्योतिर निरुक्त नामक छह है, इन अंगों को यतः तेन आपाततो। लेकिन यदि आप कहें कि आपने कहा ध्येय ज्ञेयश्च, ज्ञान भी कर लिया उस तो सीधा मोक्ष हो जाएगा, तो वेदांत पढ़ने क्या जरूरत है लक्ष्य? वेद में कहीं भी है, कहीं भी से कहीं आ रहे, कहीं मध्य में कहीं कहीं है, वेद पढ़ लिया आप तथा जान लिया, आपने कहा दिया केवल शब्द तो ग्रहण करना है ध्येय, आप तथा जान लिया ज्ञेयश्च कह दिया है, जब आप तथा जान ही लिया तो ब्रह्म को जान लिया अलग से वेदांत अध्ययन करने के लिए क्यों कहा दिया? तब कहते हैं इन्होंने शब्द प्रयोग कर दिया आपात तो। प्रथम दृष्टिया मोटा मोटी अर्थ ग्रहण कर लेना, पूरा गहन चिंतन के साथ मन निध्यासन पूर्वक अनुभव पर्यंत जीनी है। हरेक बालक जो वेद वेदांग पढ़ लेता है वह ब्रह्म चिंतन में लग नहीं जाता, न उस पर लागू होता ब्रह्म चिंतन करना अनिवार्य है। बल्कि का वेद पढ़ के क्या करना, गृहस्थ आश्रम में जाओ, गृहस्थ आश्रम से गृही भूतवा मनी भवेत, मनी भूतवा परिप्रजे, क्रम बताए। यह कोई जरूरी वेद वेदांत पढ़ने मात्र से ब्रह्म को जान तो लिया है, ब्रह्म नाम का तत्व है, अद्वैत तत्व है वो, लेकिन वह हमारे जीवन का लक्ष्य है कि वह ब्रह्म ही हूं, यह दृढ़ निश्चय पूर्वक मन ध्यास में लगता नहीं। इस तरह का प्राथमिकी जो ज्ञान हुआ है उसका नाम आपात जन्म। इसके लिए आज की भाषा में बार बार बताते हैं, जैसे कोई घटना हुई आप पुलिस के पास जाते हैं, एक तहरीर लिख के देते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो लोग? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्राथमिकी आपने सूचना प्रदान कर दी है, वो हमें
दाखिल कर लूंगा। इनवांत नहीं है, फिर जांच करेगा, जांच अधिकारी बिठाया जाएगा, बार बार जाएगा घटनास्थल पे, पूछताछ करते रहेगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना पता नहीं कितने समय लगे निर्भर घटना के ऊपर, और निगंती ने उसके एफ आर का रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। इस तरह से यहां पर वेद वेदांत जो पढ़ा, तो प्राथमिक ही जो सामान्य विज्ञान हुआ है, पर पदार्थ विज्ञान हो गया उसको होते हैं आपात ज्ञान, और अनुभूति पर्यंत वो बहुत समय लगा, मंडित ध्यास आदि करते हुए अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में लग जाएगा अनुभूति करने। इसलिए वेद वेदांत पढ़ने मात्र से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति और आनंद मोक्ष हो जाएगा, सोचना उचित नहीं है। यह बात को संकेत देते हुए निषद प्रयोग कर दिया, वेद वेदांत तेना आपात अधिगत अखिल आपात न प्राथमिक सामान्य रूप से केवल उसने समग्र वेद में कथित पदार्थों को जान लिया। जानने के अनंतर कोई कोई होता है माइकल जो ब्रह्मचर्य से ही सीधा ब्रह्मचर्या देव गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा क्रम में एक था और दूसरे क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे ही संन्यास में जा सकता। इसलिए कहते देखो वह अस्मिन जन्मनि इसी जन्म में कृत कर्म और उपासना के वजह से अथवा जन्मांतर वा जन्मांतर में जो कृत कर्म और उपासना कौन सी कर्म और उपासना किया और किसको नहीं किया काम्य निषिद्धों को त्याग पूर्वक काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्कार काम कर्म और निषिद्ध कर्मों को त्याग पूर्वक नित्य कर्म नैमित्त कर्म प्रायश्चित कर्म उपासना इनका अनुष्ठान इनके निरंतर अनुष्ठान किया चाहे जन्म में किया चाहे जन्मांतर में किया हुआ था अत्यव शीघ्र ही उस वेद वेदांग का अध्ययन काल में ही उसको वैराग्य हो जाता है और वो ब्रह्मचर्य से सिद्ध संन्यास में चला जाता है। निर्गत निहिर कर्म शतया उसके अंतकर्ण में जितने भी ब्रह्मविद्या के मन विद्यासन का प्रतिबंधक ही होता कर्मश अभी अनुभव के प्रतिबंधक हैं, इन मनन में जो प्रतिबंधक थे वो तब व्यक्ति को वेदांत के प्रण ग्रंथों के सहित गीता ग्रंथों को अध्ययन करने में इच्छा जाग जाती है। इसलिए निर्गत निखिल कर्म क्षत्रिया नितांत निर्मल शांत नितांत निर्मल अंतकरण वाला हो गया, ज्ञान धारण करने योग्य अंतकरण हो गया। ये तो होता है सुनते हैं लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाता है, यह तो कहते ऊपर ऊपर से चला गया सुनाई नहीं। कथन के स्वामी जी ने आज जो पाठ पढ़ाए वो ऊपर ऊपर से चला तो समझ में नहीं आया क्या कान भी ढंग से नहीं आ रही इतने बड़े प्रतिबंधक और कान में जाए कहां से हृदय तक पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है। हृदय में जाने के बाद उसका अब तक ज्ञान सम्यक हो जाए और ज्ञानोत्तर काल की अनुभूति पर्यंत जाना ये तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए कहते हैं नितांत निर्मल अंतकरण वाला हो गया है ताकि वह ग्रंथ धारण पूर्वक अर्थ धारण करने की क्षमता आ गई तब वह साधन चतुर्थ संपन्न मान जाएगा। साधन चतुर्थ कौन था विवेक वैराग्य संपत्ति मोक्ष था, इनसे संपन्न वाला व्यक्ति जो है कौन है वो जो व्यवहार काल में सदा से व्यवहार करता हुआ प्रमाता कहा जाता था, यह प्रमाता ये जीवात्मा यही अधिक
इसलिए प्रमाता की व्याख्या करते प्रमाता प्रकृष्ट माता और प्रकृष्ट मा अधिकारी मैं नहीं। ऐसे ऐसे उल्टा करने वाले भी लोग छाता रहा और किसी ग्रंथ में ऐसे टीका लिखते कोई तो आप ले आओगे महाराज देखो पुस्तक भी लिखा है। भ्रम पैदा करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जान के पठान व्याख्या कर देते हैं। और पिछले करीब 1500 साल से चल रहा है चाल, 1500 साल से लगभग ये चाल चल रहा है कि लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे वैदिक ग्रंथ तथा संबंधी ग्रंथों को इस ढंग से कुछ प्रक्षेप श्लोक डाल दो उसमें बना करके और उसका अर्थ अलग आगे भ्रमित हो जाए भ्रष्टाचार वाला हो जाए उसके अनुसार करेगा। इसलिए अत्यंत सावधानी इसलिए हम लोग गुरु परंपरा से अध्ययन ये टीका टिप्पण पढ़ के अपने आप पढ़ लेगा ना वो भ्रमित रहेगा ही और कभी उसके दिमाग साफ सुथरा ज्ञान नहीं पहुंच सकता। परंपरा से प्राप्त ज्ञान ही सही होता है। इसे कहते हैं वह आचार्य गीता विद्या साधिष्ठा भवती छंद के प्रश्न आचार्यवान पुरुषो वेद प्रजाण्य वही जान पाता है वास्तविक क्या कर्णों चाहे उपासनाओं चाहे ज्ञानों ये किसी भी विषय में हो तो कर्म में उल्टा सीधा करेगा। आज के लिए हो रखा है हवन करना है वो आ जाएंगे पंडित जी मनमुंड बना दिए उपलिप्य उल्लिख्य सूत्र है वो मंत्र नहीं है वो पारस्कर गृह सूत्र है किस क्रम से बताना है वो क्रम वाचक चीज है उसी को मंत्र जी से बोल के काम कर कर दिया उपलिप्य हो गया तीन रेखा खींच दी उल्लिख्य हो गया उसे उठाकर फेंक दिए थोड़ा सा मिट्टी क्या क्रम बताने वाले पारस्कर गृह सूत्र मंत्र नहीं है और मंत्रों के बिना कर्म नहीं होता मंत्र देव कर्म कर्तव्य और ये मंत्र भी नहीं जानते अधिकतर जब हमने पुस्तक में छपाया तो ये सूत्र है सूत्र का तात्पर्य है ये काम करना और उस काम को कैसे करना है ये मंत्र बोल के करना है ऐसे मंत्र से दम ले दिया तो कई प्राणों ने कहा वैदिक परंपरा जीवित है दक्षिण में आप प्रचुर में है या भले कम है यहां भी जानने वाले कुछ कुछ तक रथ कई लोग खरीदने लगते थे हम इसी विधि से करेंगे ये अग्नि स्थापना ही विधिवत नहीं हो पाया ये सूत्रों से बिना मंत्रों से हो गया तो अग्नि क्या कृत आहुतियों से है फल कैसे मिलेगा